कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विंध की पावन धारा से मैंने अपने प्रदेश व्यापी दौरे की शुरुआत की है। हमारी पार्टी प्रदेश में चौथी बार और केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा मुझे दिए जाने के बाद मैंने निर्णय किया था कि पूरे प्रदेश में प्रवास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उस क्रम में मैंने इसकी शुरुआत विंध की पवित्र धरती से ही की। कल शहडोल संभाग का प्रवास था, आज रीवा संभाग का प्रवास है। जैसा कि आपने देखा, कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है और इसलिए अपने इन कार्यकर्ताओं की ताकत और क्षमता के बूते और जनता के आशीर्वाद के साथ युवाओं को साथ में लेकर 2018 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 2019 में भारी बहुमत के साथ केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में जितना किसानों के हित में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी और राज्य में इतना हुआ होगा। आंकड़े गवाह हैं। लगातार कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब से लेकर अभी तक कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक अगर किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में। जिस तरह से बातचीत शुरू हुआ कमलनाथ जी के बनने के बाद, यहाँ तक कि लायक और नालायक देश कहा जाने लगा, ऐसा लगता है बहुत कठिन और कोई कठिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कहने के लिए कोई बात है और इसलिए इस तरह की स्तरहीन बातें वो कर रहे हैं। हमारे पास एक यशस्वी कार्यकाल है 14 साल का हमारे मुख्यमंत्री का, एक बार भी कभी स्तर से नीचे जाकर कोई बातचीत उन्होंने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लड़ाई हो लेकिन ठीक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें स्तर नीचे ना गिरे, हमारी ओर से यही कोशिश रहने वाली। रीवा से भाजपा विधायक है नीलम मिश्रा, उन्होंने कल बात की और यहां तक कि भाजपा पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ में चुनाव में उतरने जा रही है।